नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों RRB ALP टेक्नीशियन अभ्यर्थी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, RRB प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट में RRB ALP टेक्नीशियन अभ्यर्थी के लिए अपडेट जारी किया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है RRB प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी RRB इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट हूँ। जैसे आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नोटिस फॉर रिजल्ट ऑफ एडिशनल पैनल टू फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन अंडर CA नंबर 01/2018। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक ऐसा पेज दोस्तों यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद, यहाँ पे एडिशनल पैनल टू फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन अंडर CA नंबर 01/2018, नोटिस नंबर 01/2020, डेट 8/1/2020, फाइनल प्रोविजनल पैनल फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन अंडर CA नंबर 01/2018 वॉज अपलोडेड ऑन RRB इलाहाबाद वेबसाइट। द रिजल्ट ऑफ विथ हेल्ड कैंडिडेट वॉज अपलोडेड नोटिस नंबर 4/2020, डेट 25/2020 एंड डेट 8/2020, डेट 19/8/2020। फॉर द रिप्लेसमेंट पैनल 1, 2, 3, 4, 5 एंड एडिशनल पैनल 1 फॉर NCR एंड SECR फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन अंडर CA नंबर 01/2018 वॉज अपलोडेड ऑन RRB इलाहाबाद वेबसाइट। नाउ फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर बेस्ड ऑन मेरिट प्रेफरेंस एंड कम्युनिटी आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर एडिशनल पैनल 2 एज डिटेल्स बिलो। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट का रोल नंबर दी गई है इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे फिर से यहाँ पे एडिशनल पैनल पे यहाँ पे दोस्तों जारी किया है। पैनल टू यहाँ पे जारी किया है। कैंडिडेट का रोल नंबर, कैंडिडेट का कम्युनिटी, यहाँ पे दोस्तों नॉर्मलाइज मार्क्स कितना है, कौन सा यहाँ पे कम्युनिटी में बुक किया गया उसका, और उसका ओवरऑल रैंक कितना है, उन सभी कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे दोस्तों कम्युनिटी, सब कुछ यहाँ पे दी गई है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे विथ हेल्थ कैंडिडेट और पोस्ट कोड 25 नॉर्दर्न रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 कैंडिडेट, पोस्ट कोड 34 नॉर्दर्न रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक्स के लिए दोस्तों यहाँ पे टोटल 13 कैंडिडेट। वही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे पोस्ट कोड 47 नॉर्थ सेंट्रल रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर के लिए यहाँ पे 4 कैंडिडेट को, पोस्ट कोड 47 नॉर्दर्न रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर के लिए दोस्तों 2 कैंडिडेट, पोस्ट कोड 49 NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे टोटल 10 कैंडिडेट, टोटल यहाँ पे दोस्तों 31 कैंडिडेट को। उसके बाद विथ हेल्थ कैंडिडेट्स पोस्ट कोड 49 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग के लिए यहाँ पे 5 कैंडिडेट को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोस्ट कोड 49 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका नॉर्दर्न रेलवे में है 5 कैंडिडेट को। नेक्स्ट आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRD में यहाँ पे दोस्तों 1 कैंडिडेट को। नेक्स्ट आपका विथ हेल्थ कैंडिडेट यहाँ पे पोस्ट कोड 52 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल यहाँ पे 1 कैंडिडेट को, और पोस्ट कोड 53 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 2 कैंडिडेट को। नेक्स्ट दोस्तों आपका पोस्ट कोड 54 नॉर्थ सेंट्रल रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों यहाँ पे टोटल 12 कैंडिडेट के यहाँ पे दोस्तों प्रोविजनल पैनल में, जो एडिशनल पैनल है पैनल पार्ट टू है उसमें रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विथ हेल्थ कैंडिडेट पोस्ट कोड 54 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल यहाँ पे 2 कैंडिडेट को, पोस्ट कोड 59 नॉर्थन रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर के लिए दोस्तों 1 कैंडिडेट, और पोस्ट कोड 61 नॉर्दर्न रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर के लिए दोस्तों 1 कैंडिडेट, पोस्ट कोड 66 नॉर्थ सेंट्रल रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर के लिए दोस्तों यहाँ पे टोटल कैंडिडेट को 38 कैंडिडेट के यहाँ पे रखा गया है प्रोविजनल पैनल पार्ट टू में एडिशनल पैनल में। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे 38 कैंडिडेट टोटल यहाँ पे दोस्तों 88 कैंडिडेट को रखा गया। नेक्स्ट आपका 89 कैंडिडेट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें विथ हेल्थ कैंडिडेट पोस्ट कोड 66 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर के लिए वर्कशॉप के लिए 3 कैंडिडेट को, पोस्ट कोड 78 नॉर्थ सेंट्रल रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट के लिए 1 कैंडिडेट, पोस्ट कोड 84 नॉर्थ सेंट्रल लेवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को, और विथ हेल्थ कैंडिडेट जो है दोस्तों यहाँ पे पोस्ट कोड 84 नॉर्थ सेंट्रल लेवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट के लिए दोस्तों 1 कैंडिडेट, और पोस्ट कोड 134 नॉर्थ सेंट्रल लेवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के लिए 7 कैंडिडेट को, पोस्ट कोड 134 नॉर्दर्न रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के लिए दोस्तों यहाँ पे 15 कैंडिडेट को, पोस्ट कोड 136 नॉर्थ सेंट्रल रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन दोस्तों यहाँ पे टोटल 7 कैंडिडेट को, और पोस्ट कोड 136 टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन दोस्तों यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे में टोटल यहाँ पे दोस्तों 17 कैंडिडेट को यहाँ पे एडिशनल पैनल पार्ट टू में रखा गया है, और पोस्ट कोड 137 नॉर्थ सेंट्रल रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन के दोस्तों यहाँ पे टोटल 14 कैंडिडेट को दोस्तों यहाँ पे प्रोविजनल एडिशनल पैनल पार्ट टू में रखा गया है। द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट,
The above candidate will have to give an undertaking to North Central Railway and Northern Railway for undergoing mandatory medical exam. दोस्तों इन सभी कैंडिडेट को फिर से जो है मेडिकल एग्जाम देना होगा. अगर मेडिकली फिट पाया गया उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ किया जाएगा. फिर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है उसके बाद जो दोस्तों इन सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी. वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट आरआरबी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई इन एनी इनएडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक. तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो अपडेट दी गई है आरआरबी इलाहाबाद की तरफ से अपडेट दी गई है. और ये जो लिस्ट है ये प्योरली प्रोविजनल है दोस्तों. इसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है आपको सब कुछ अगर डॉक्यूमेंट ठीक ठाक रहता है और मेडिकल में फिट पाया जाए तभी जो आपको फाइनली यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी. तो यहाँ पे दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत बड़ी अपडेट दी गई है यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन अभ्यर्थी के लिए. तो जो भी यहाँ पे अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया. वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए. और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए.